सिया गाइज वेलकम टू आर न्यू वीडियो एंड इसी के साथ उसी टॉपिक पे पार्ट टू होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु शोड मी देयर इंटेंस सपोर्ट ऑन दैट वीडियो इट वॉज़ माई फर्स्ट आयोर वीडियो टू क्रॉस फिफ्टी प्लस लाइक्स ऑन यूट्यूब टिल नाउ सिया थैंक यू ऑल वन सगेन इसी के साथ हमारा जो ये है पार्ट टू ये मैं क्यों बना रहा हूँ एंड बेसिकली बहुत से लोगों ने जब मैंने वीडियो अपनी डाली डाली थी कम से कम तीन या चार दिन में जितने भी लोगों ने देखी है और अगर उन्होंने ढंग से पढ़ी है टाइटल तो उन्होंने नोटिस किया होगा पहले पार्ट वन नहीं लिखा था उसमें मैंने पार्ट वन जस्ट एक हफ्ते पहले ऐड किया है कि पार्ट टू भी बनाना पड़ेगा अब क्योंकि मेरे को करीबन करीबन पंद्रह से बीस डी एम्स आएँ कि भाई तू तो रीच लेने के लिए ये सब कर रहा है बस न्यू मॉन्स्टर का न्यू मॉन्स्टर ग्रो कर रहा है तो उसके नाम से तू रीच ले रहा है उसको एक्सपोज करके और लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई वो नोटेड प्रो भी खेलता है वो लेजिट है और तू स्कैम करके व्यूज़ लेना चाहता है ये वो मैंने भाई फिर कम से कम सबको पर्सनल में रिप्लाई किया कि मतलब यार फुल क्या बोलूँ मतलब मतलब भाई लॉन्डे गालियाँ भी दे रहे हैं फेक फेक आईडी बना के आ रहे हैं अब मैं क्या ही बोलूँ भाई अच्छा ये छोड़ो एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो में अपना जो है सारे प्रूफ्स दिखाने वाला हो कि क्या सीन रहता है एंड यही बताओ कि मैंने न्यू मॉन्स्टर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की या नहीं की एंड सब बताऊँगा इस बेसिकली इस वीडियो में मैं ये आपको दिखाया तो प्रूफ कि नोटेड प्रो पे अभी भी खेलता है या नहीं वो ठीक है खेलता है नहीं मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ उसका एक और प्रूफ जो रीसेंट बार है ठीक है बहुत से लोगों ने डीएम करके बोला कि भाई नोटेड प्रो में होता है रीसेंट टास्क बार सो उसी को क्लैरिफाई करने के लिए ये वाली वीडियो में ये चीज़ ऐड करने वाला हो कि भाई तुम खुद देखो जो रिसेंट टास्क बार है नोटेड प्रो का कितना मतलब थोड़ा सा बड़ा है आईफोन के साइज़ जितने से एंड थोड़ा ओपेक है एंड एज़ कम्पेयर टू आईफोन आईफोन का तो बहुत छोटा सा है एंड ट्रांसल्यूसन ट्राइप रहता है थोड़ा ठीक है एंड चलो दूसरी बात आईफोन में तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है गाइड एक्सेस करके जिससे तुम अपना फ़ोन का स्क्रीन लॉक कर सकते हो मतलब इन द सेंस तुम गेम का स्क्रीन लॉक कर सकते हो तुम्हें ना कोई नोटिफिकेशन आएगी बस कॉल का नाम लिखाएगा तुम कॉल एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते वो अपना कट जाएगा कॉल एंड बस उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना गाइड एक्सेस ऑन कर लेते हैं जिससे नोटिफिकेशन वगैरह से परेशानी ना हो तो वो सेम चीज़ होती है लेकिन नोटेड प्रो में एज सच मैंने दूर दूर तक नहीं देखा है कि कोई गाइडेड एक्सेस करके ऑप्शन होता है कि भाई जिससे नोटिफिकेशन ना आए एंड uh, तीसरी चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई लॉन्डे के गेम प्ले में तुम ये चीज़ नोटिस करना दो से तीन वीडियोस देखना लॉन्डे के गेम प्ले में भाई साहब ऑलवेज सिक्स टी एफ पी चल रहा है चाहे वो पूरी भरी बिल्डिंग में पुश कर रहा है या ओपन में मार रहा है भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चीज़ें मैटर करती है कि तुम देखो तुम अगर आई यूज़र हो तो तुम्हें पता है ऑलवेज सिक्सटी एफ रहता है बहुत कम टाइम पर आईफोन लैग या फ्रीज़ होता है ठीक है लैग भी कब होता है जब तुम बिना पंखे वगैरह में खेल रहे हो एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उससे फ़ोन हीट अप होके थोड़ा बहुत लैग करता है ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन करता है ठीक है एंड बाक़ी उस पर डिपेंड करता है कि स्टोरेज वगैरह कितनी यूज़ हुई हुई है उस हिसाब से डिपेंड करता है फ़ोन पर एंड एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड एंड्रॉयड में भी ये चीज़ें मैटर करती है लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है चाहे पंखा हो या एसी सी वो एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड ही रहेगा तुम उसको कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो भाई एक बात बताओ आई में अगर मिलिट्री बेस की तुम ले लो सी बिल्डिंग का एग्जाम्पल ठीक है एक बिल्डिंग है तुम तुम्हारे स्क्वाड ने उसको पूछ किया तो और एक और स्क्वाड है पूरी सारे फुल हील के साथ बैठे हुए लॉन्डे तो टोटल तो एक बिल्डिंग में आठ बंदे हो गए ठीक है तुम्हारी स्क्वाड को मिला के एंड भाई ये बताओ लैग होगा या नहीं है आई ये बताओ मेरे को चलो पूरा ना हो बिल्कुल ही फ्रीज ना हो कि बिल्कुल ही टेन एफ उतर जाए लेकिन भाई एटलीस्ट लीस्ट ट्वेंटी थर्टी फ्लक्चुएट होता है मॉन्टाज में दिखता है मैं तुम मेरा मिक्स ट्यू वाला देख लेना अभी जस्ट uh, मेरा होगा इस वाली वीडियो के बाद थर्ड पे आ जाएगा वो वीडियो मेरा मिक्स ट्यू पर है वो मेरा थर्टी एफ़ डिवाइस है वैसे सिक्स बोलते हैं सब लेकिन मेरे तो बिल्कुल थर्टी है बहुत ज़्यादा लैग होता है एंड स्टोरेज भी मैंने बिल्कुल खाली रख रखी है एज सच तो उसमें तुम देखना कि भाई पूरा ना मोन्टाज भी लागी लागी चल रहा है वो मैंने बिल्कुल हाई लेवल पे रिकॉर्डिंग करता हूँ सो थोड़ा बेटर आता है आ, क्या था उसमें फिफ्टी एम बी पी एस सिक्सटी एफ पी एस ये चीज़ें मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एंड एक्सपोर्ट भी मैं अपना वन जीरो एट जीरो सिक्सटी एफ़ पी एस पे करता हूँ काइन मास्टर के थ्रू सिक्सटी एफ पी एस को ऑप्शन नहीं आ रहा तो थर्टी एफ़ पी एस ठीक है आई ओ एस और एंड्रॉयड में बेसिकली क्या फ़र्क है प्रोसेसर गेम का लैग और हीटिंग का इफ़ेक्ट ठीक है ये चीज़ें रहती है बेसिकली चलो भाई मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि अभी जस्ट ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब को मेरा फ़ोन बहुत बुरी तरह टूट गया आईफोन एक्सी जिससे मैं अपना गेम प्ले वगैरह डाल रहा था बिल्कुल चूरा चूरा टाइप्स हो गया एंड नॉन रिपेयरेबल है लेकिन रिपेयर हो भी सकता है तो कम से कम थर्टी के तो मैक्सिमम लगाना पड़ेगा मेरे को उससे भी ज़्यादा वस्ता है तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता किसी फ़ोन के रिपेयर में क्योंकि तुम्हें पता ही है फ़ोन रिपेयर होने के बाद वो पहले जैसे कंडीशन नहीं रह पाती चाहे तुम कितना डलवा लो वो हीट करेगा ही और टच में पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहे कि टाइपिंग वगैरह में दिक्कत आए ठीक है तो इसलिए मैंने सोचा कि अब छोड़ जो हो गया हो गया दूसरा फ़ोन ले ले तो मेरे बजट में था के ट्वेंटी प्रो सो मैंने अब वो लिया मिक्स टू मेरा पहले का था जब आईफोन से पहले मैं वो चला रहा था किसी ज़माने में कम से कम दो साल पुराना है वो एंड उससे मैंने अपना एक तरह से तुम ले लो जर्नी स्टार्ट ही जून में किया है ठीक है सो उसके बाद भी भाई मतलब क्या बोलूँ यहाँ मैं K20 ट्वेंटी प्रो में स्नैपड्रैगन है एट फिफ्टी फाइव ठीक है छः जी बी रैम है एक सौ अट्ठाईस जी बी इंटरनल ठीक है अब तुम ये बताओ इसमें चलो मैं मानता हूँ एच डी आर एक्सट्रीम आता है स्मूथ एक्सट्रीम आता है टी डी एम में जीरो लाए मैं मानता हूँ क्लास में तब बिल्कुल लैग नहीं करता जब बिल्कुल ही आस पास बंदे ना हो ठीक है अगर मैं किसी जगह पे पुश कर रहा हूँ जहाँ चार बंदे हैं तीन या दो ठीक ला है वहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाला लैग मारता ही मारता है डायरेक्ट सिक्सटी से ट्वेंटी या थर्टी एफ उतर जाता है और स्नैपड्रैगन एट काफ़ी है ठीक है एम है अब ये मैंने दिया ना एग्ज़ाम्पल और अब तुम ले लो नोट नाइन प्रो सॉरी नोट एड प्रो है ना उसका कहाँ नोट एड प्रो है तो भाई अब तुम सोच लो कितना फ़र्क आएगा ठीक है जो मेरा K20 ट्वेंटी प्रो है मैंने 28,000 का लिया है और जो हमारा नोट एड प्रो है वो अराउंड 18 या सेवेंटीन के का है जो वो यूज़ कर रहा है ठीक है अब तुम ये बताओ उसका ज़्यादा लैगी होना चाहिए कॉन्टेंट या मेरा ज़्यादा लैगी होना चाहिए चीज़ ये चीज़ें तुम खुद प्रूफ करो यूट्यूब पर इतने बंदे जो पोको एफ वन भी खेलते हैं रेडमी के ट्वेंटी प्रो भी खेलते हैं और जो लेजट रेडमी नोट एड प्रो प्लेयर्स है ठीक है तुम मूंग का सर्च करके देखना एंड उसका गेम प्ले कम कम्पेयर करना एंड क्वालिटी में देखना तो भाई पूरी दुनिया में एक अकेला वही है जिस जिसपे नोटेड प्रो ऐसा है जिस जिसपे जीरो लाख चलता है भाई ऐसा नोटेड प्रो तो मेरे को भी दे दो मैं सबको बेच बेच के ना कमीशन कमाऊँगा ऐसी दिन रात में ना अंबानी बन जाऊँगा मैं भी भाई मतलब आप भाई ज़ीरो लाख कैसे तुम खुद बताओ उसका एक भी मोन्टाज हल्का सा भी हैंग नहीं दिख रहा अभी चलो जस्ट मैं एक या दो दिन में अब मैं के Pro का गेम प्ले डालने वाला हूँ लेकिन भाई क्वालिटी वाइज देखो ना रिकॉर्डिंग में बिल्कुल मैक्सिमम पे कर रहा हूँ मैं तो पता है रिकॉर्डर के चक्कर में गेम और लैग होता है चाहे जहाँ पर सिक्सटी से फिफ्टी आना हो ना वो सिक्सटी से थर्टी एफ उतर जाता है ये चीज़ें मैं पता ही होगा हर एक एंड्रॉयड यूज़र को पता है रिकॉर्डर से फ़ोन लैग होता ही होता है सो बस इतना ही एंड और भी चीज़ें अगर आपको बतानी हो मेरे को नू मॉन्स्टर से रिलेटेड या किसी और गेमर से रिलेटेड ऐसे स्कैम्स के बारे में तो आप मेरे को डी कर सकते हैं इंस्टा पे स्प्रे गॉड अंडरस को मेरा आईडी है एंड uh, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड बाकी जो है अब भी किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड सो यू कैन मेक अ डी एम ऑन द सेम एंड भाई नू मॉन्स्टर अगर तू ये वीडियो देख रहा है भाई प्लीज़ मैंने तेरे को पिछली बार वार्निंग दी थी एंड पार्ट टू मैंने तेज तेरे लिए ही बनाया भाई सिर्फ ये नहीं कि किसी और यूट्यूबर यूड़, को भी इंक्लूड किया है बस तेरे लिए बनाया भाई तू सुधर जा क्योंकि मैं छोटे से स्टार्ट करूँगा ना वो भी मेरे को बाई चांस तेरा वीडियो रिकमेंडेशन में आया था एक दिन सो मैंने वहाँ से नोटिस किया ये गलत लौंडा लग रहा है थोड़ा नोटेड प्रो लगा के ऐसा लग रहा था कि भाई आईफोन का प्लेयर है कोई सो आज के लिए गाइज़ बस इतना ही एंड बाकी नो बाउंसर तक ये मेरा मैसेज पहुँचा दे रहा गाइज so yeah guys till then see you soon nara goodbye